सुशासन को चुनौती। जी हां, बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस पूरी तरह पस्त दिख रही है। दरभंगा में दो इंजीनियर्स की हत्या के बाद दहशत है और चार दिनों बाद भी पुलिस अभी कोई ठोस खुलासा नहीं कर पाई है। तो हाजीपुर में भी एक इंजीनियर की हत्या हो गई, वहीं मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने गोली मारकर गल्ला व्यवसायी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने छापेमारी के लिए गई पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। इधर नालंदा में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तो चार तस्वीरें आपके सामने हैं, अपराधी मस्त हो चुके हैं और पुलिस पस्त हो चुकी है। दरभंगा में दो इंजीनियरों की हत्या के चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस कोई ठोस खुलासा नहीं कर पाई है। हालांकि एसआईटी की टीम ने शिवहर से चार अपराधियों को गिरफ्तार किया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों में एक मुकेश पाठक का शार्प शूटर भी शामिल है। इसके पहले एसटीएफ और दरभंगा पुलिस ने बहेड़ी की प्रखंड प्रमुख मुन्नी देवी के देवर पिंटू लाल देव को गिरफ्तार किया था। प्रखंड प्रमुख मुन्नी लाल देवी के पति संजय लाल देव की तलाश भी पुलिस कर रही है। इधर पिंटू ने आरोपों से इनकार किया है। लाइनर की भूमिका निभाने वाले पिंटू लाल देव जो घटनास्थल के ही आसपास के गांव के शिवराम गांव के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। घटनास्थल पर पिंटू लाल देव उपस्थित था, मुकेश पाठक के साथ उसका उठना बैठना था। सर, अगर लाइनर है तो पुलिस हमको जो दंड देना चाहेगी वो मुझे हंस के कबूल है। अगर वो मुझे थोड़ा सा दिखा दे कि मैं हूँ, फोन से बात किया, उसका सबूत है उनके पास? उसका सबूत है तो सर मैं अपना गर्दन काट के उसके चरण में रख दूंगा। दरभंगा में दो इंजीनियर्स की हत्या मामले का खुलासा अभी तक पुलिस भी नहीं कर पाई है। हाजीपुर में भी एक इंजीनियर की हत्या हो गई। दरअसल सोमवार की सुबह वैशाली जिले के बराटी थाना के चकवेवी गांव के पास युवक का शव मिला। युवक की गला रेतकर हत्या की गई थी। ग्रामीणों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, तो शव का पता जो है वो पता चला और नाम अंकित झा का निकला। अंकित रिलायंस टेलीकॉम कंपनी में उत्तर बिहार के क्वालिटी इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के अखाड़ा घाट का रहने वाला था। मृतक के बड़े भाई के मुताबिक अंकित रविवार की रात को घर से पटना ऑफिस के लिए निकला था। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काशीपुर चकवी में जो लाश मिला है उसके गर्दन कटा हुआ है, पेट उट में भी दाग है घाव का, वही उठा के लाया। आदमी मुजफ्फरपुर का है, अहियापुर थाना का है। ये जो है ना निकला, बोले कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि सो कंपनी का गाड़ी बाहर खड़ा है और प्राइवेट नौकरी है तो जाना ही पड़ेगा। वो अक्सर जाते आते थे, कंपनी में काम करते थे। उसके बाद फिर सुबह से कॉल कर रहे हैं, दोनों नंबर स्विच ऑफ। इधर सोमवार को मुजफ्फरपुर में भी अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने पहले एक व्यवसायी की हत्या की और फिर हत्या के कुछ घंटों बाद ही पुलिस जीप पर बम से हमला किया। बताया जाता है कि अहियापुर थाने के बड़ा जगन्नाथ गांव के गल्ला व्यवसायी संतोष शाह दुकान बंद कर अपने घर के लिए निकले थे कि रास्ते में दो अपराधियों ने उसे गोली मार दी। परिजन संतोष को लेकर निजी नर्सिंग होम पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने संतोष को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद नाराज लोगों ने मौके पर थानाध्यक्ष चित्रंजन ठाकुर को खदेड़ डाला। बाद में डीएसपी आशीष आनंद ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया, लेकिन पुलिस के दावों का दम निकलते हुए अपराधियों ने अहियापुर थाना से चंद कदमों की पुलिस जीप पर बम से हमला कर दिया। हमले में थाने में तैनात होमगार्ड के दो जवान घायल हो गए। हालांकि पुलिस अधिकारी हमले की बात खारिज कर रहे हैं। शाम में लगभग 7 बजे के आसपास एक संतोष जी के नवा गल्ला व्यवसाय की हत्या की गई है और हम लोग उसके तहकीकात में लगे हुए मतलब छापेमारी के लिए निकल रहा और विश्वास है कि जल्दी हम उसको गिरफ्तार करने का। अपराधियों की चिंता के लिए कुछ गुप्त सूचना मिली है जिसपे मैं खुद निकल रहा हूँ।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात नालंदा की करते हैं। नालंदा के कल्याणपुर मोहल्ले में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पतुआना निवासी बुल्लू बिहार शरीफ से अपने घर लौट रहा था, तभी कल्याणपुर के पास बदमाशों ने गोली मार दी। परिजनों ने वार्ड पार्षद और उसके भाई पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। इस सीतामढ़ी में जमीन के विवाद में अपराधियों ने किसान सौखी यादव को गोली मार दी। सौखी की हालत गंभीर है और मुजफ्फरपुर के निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। घायल सौखी के भाई के मुताबिक बाइक से आने के दौरान उन्हें गोली मारी गई। तो बिहार में बढ़ते अपराध ने एक बार फिर पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी है। राज्य की जनता के मन में दहशत भरने लगी है और सुशासन बाबू के नाम से मशहूर सीएम नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। तरी नहीं है, आंकड़े वो नहीं प्रमाणित करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो दो तीन घटनाएं हुई है ठीक है, वो चिंता का विषय जरूर है। तो निश्चित तौर पर संगठित अपराध बिहार पुलिस के आज सबसे बड़ी चुनौती है। ये बिहार के सुशासन बाबू के आला पुलिस अफसर हैं, जो दरभंगा में दो इंजीनियर समेत ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों के बाद जंगलराज रिटर्न्स के शोर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव का साथ लेकर सत्ता में आए नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, अब वही फन उठाए खड़ी है। कानून व्यवस्था के फ्रंट पर नीतीश कुमार के सामने प्रशासनिक और राजनीतिक प्रश्न खड़ा हुआ है, यानी उन्हें न सिर्फ क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करनी है बल्कि इस कार्रवाई का एहसास भी कराना है। लिहाजा जब वो राज्य के पुलिस अफसरों से मिले तो नीतीश कुमार ने संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही। संगठित अपराध के खिलाफ संसाधनों की कमी नहीं होने देने का भरोसा दिलाया। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही और जेल अधिकारियों से तकनीक की मदद से निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। एसटीएफ को और मजबूत करने और क्राइम कंट्रोल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को दुरुस्त करने की बात कही और इस सिलसिले में पुलिस विभाग को जल्द से जल्द अपना प्रस्ताव सरकार के सामने रखने को कहा। नीतीश को बिहार की सत्ता का चौथा अनुभव है और अभी नई पारी में 1.5 महीने भी नहीं बीते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार की साख पर ऐसे सवाल पहले नहीं खड़े हुए, लिहाजा जंगलराज की वापसी के राजनीतिक सवालों से पार पाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कुल मिलाकर 3 दिनों के भीतर 8 हत्याओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। बिहार की चुनौती वही है, बिहार में जंगलराज का टैग न चस्पा होने देना। हाजीपुर से विकास आनंद के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।